Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the inverse Laplace transform. इससे पहले हमने Laplace transforms discuss कर लिया है, वो लगभग 12 lecture में पूरा हुआ है, 12th lecture में. तो आप पहले उसको पूरा देख लेंगे क्रम से, उसके बाद ही यहाँ आपको समझ में आने वाला है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पीछे से देख के आएंगे, तो हम इनवर्स जो भी पढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि पूरा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे ही बेस्ड है. तो अगर लाप्लास आएगा, जितने थ्योरम आप लाप्लास पे पढ़े हैं वन बाय वन, सारे थ्योरम यहाँ भी उसी तरीके से आएंगे, सिर्फ इनवर्स फॉर्म में होंगे. सो चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को. तो इसका डिफिनीशन है, हम उसी तरीके से शुरू करेंगे कि तो डेफिनेशन इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन Laplace transform of any function f of t is f of s, that is, हम ऐसा लिखते थे Laplace of f of t, इसको हम चाहें तो कैपिटल लिख सकते हैं. सो Laplace of f of t is equal to f of s, ये हम यूज़ करते आए हैं Laplace transform के दौरान. तो अगर ऐसा कंडीशन होता है then f t is called inverse Laplace transform, of Fs. That is, Ft is equal to L inverse f of s. ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एफ टी का एफ एस हो इस तरीके से, तो सीधी सी बात है, अगर हम इसको एफ टी को निकालेंगे तो एल हमारा इधर आता है, तो ये एल इनवर्स एफ ऑफ एस हो जाता है. तो देन एफ टी इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, दैट इज एफ टी इक्वल टू एल इनवर्स एफ एस. तो जिस तरीके से हम उसे निकालते थे, केवल यहाँ ट्रांसफर जैसा करेंगे और ये हमें इनवर्स देगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हम निकालते थे लाप्लास ऑफ टी पावर एन, तो वो हमें देता था एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन. तो इसीलिए हमने कहा कि लाप्लास पढ़े रहना बड़ा ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं. सो लाप्लास ऑफ टी पावर एन इज़ एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, और ये हमें क्या देता था, एक तरह से एफ एस की वैल्यू थी. लाप्लास ऑफ दिस मच इज इक्वल टू एफ एस. तो अब अगर हमें इसका रिवर्स पार्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ें पता होंगी, ये हम इधर का सेक्शन निकालेंगे. तो एक तरह से यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी पावर एन इज इक्वल टू एल इनवर्स एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, ऐसा लिखेंगे, क्योंकि एल और लाप्लास ऑफ टी पावर एन इज एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन. सो टी पावर एन इज इक्वल टू एल इनवर्स एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन. ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे, जैसे हम कुछ और निकालते थे लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी. ठीक है, तो ये क्या आता था, वन अपॉन एस माइनस ए लाप्लास में, तो इनवर्स में क्या होगा, सो इसका रिवर्स करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ई पावर ए टी इज इक्वल टू एल इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए. तो एक तरह से वन अपॉन एस माइनस ए का एल इनवर्स ई टू द पावर ए टी हुआ. तो दिख रहा है कि सारा जो लाप्लास हम लोग आज तक पढ़े हैं उन सभी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ हो रहा है.
तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हम लाप्लास को अच्छी तरीके से पढ़ लें, अदरवाइज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि वो उसी के बेसिस पे हो रहा है पूरा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं तो थोड़ा ये क्लियर होगा। थोड़ा सा हम इसको रिपीट कर देते हैं। ये सिंपल सा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किसी फंक्शन का लेते थे तो हमें एफ एस आता था, इसका इन्वर्स करना है एक तरह से, तो हम एफ टी निकालेंगे, एल को सपोज करिए उधर चला गया तो एल इन्वर्स एफ ऑफ एस। सो एफ टी इज़ अ इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एफ एस का। सो ये एफ एस है और इसका इन्वर्स लाप्लास किए हैं वो क्या है, एफ टी के बराबर।